राम राम सा नमस्कार। मैं राजेंद्र निवाणा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं था सो एक विशेष टॉपिक पर बात कर रही हूँ और वो टॉपिक से भूकंप जिना अपना बड़का बूढ़ा बैंगज खे बोग रजा। तो आज वो बैंगज आयो और बिना मैं भी महसूस करियो आज जयपुर में सुबह करीब 4:09 पर भूकंप आयो छो जो मतलब खूब बड़ो झटको छो एकदम सुइया सब डरगा मैं भी बिल्कुल हाल गा और फिर उठ्या और 12 ने जद निकलिया तो सभी कॉलोनी का 12 ना आ चुका था। तो माने बिल्कुल कन्फर्म हो गो कि वो एक बड़ो भूकंप छो। तो पहले तो जो दो वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा जी पहले तो थे वो देखो फिर बात करा ला और भूकंप की। दोस्तों ए दो वीडियो देख रहे थे समझ गा ओला कि भूकंप कतरो तेज सो शुरू को झटको तेज सो बीके पाछे दो झटका और आया लेकिन बे थोड़ा कम छा। तो इसको आप अंदाजो लगा सका छा कि प्रकृति का सामान आप काई को न प्रकृति एक सेकंड में सब कुछ नष्ट कर सके छे। हालांकि ई भूकंप में जयपुर में कोई नुकसान को नहीं हो कोई जान माल को नुकसान को नहीं हो तो आ एक बढ़िया बात रही। लोग बाग स्टेटस भी लगावा लग गा और स्टेटस भी बताने दिखा रहे कि देखो क्याना क्याना स्टेटस लगा रहे थी। लोग बात कह रहे थे कि भगवान में तो ब्रह्म मुहूर्त में भी यही उड़ जा वाला अना अलार्म मत लगाओ तो खूब सारा स्टेटस सारी चीज़ा थी। लेकिन इसु एक चीज साबित हो रही है कि प्रकृति अब बदलवा लगी। मतलब अब कल थे देखा वोला पूरी गर्मियों में बरसात बरसी छे बरसात में बरसात कौन बरस रही सर्दियों में गर्मी पड़ रही है। तो मतलब कतरो चेंज हो गो प्रकृति सु शायद किंडेर किंडे छेड़छाड़ हो रही है और अपना बड़का बूढ़ा या खेबो कर चाहे कि अयान का जो भी आवी छी ए संकेत भी छी। मतलब पहले तूफान आयो अब भूकंप आ गो तो ए कुछ संकेत भी छी बड़ी अनहोनी हो बाको। तो मेरो तो खेबो ही छे कि प्रकृति सु जुड़ो प्रकृति सु खिलवाड़ मत करो नहीं तो कदेख सी है एक सेकंड में आपस सब नष्ट हो जावला। तो ओ छो आज को एक डर जो मैं था के साथ शेयर करियो बतावी छी कि डर शेयर कर बस थोड़ो कम हो जाए छे थोड़ी चिंता कम हो जाए थे। तो मेरे तो एकदम सु चिंता सी कि ओ का योग हो 2001 में भी जब गुजरात में भूकंप आए छो जब भी ने जयपुर में महसूस हो छो तो वो भी मैं महसूस करियो छो। मतलब करीब करीब 22-23 साल पाछे आज ओ जो भूकंप को लाइव झटका देखा जिना आप बैंगज खा छा तो बिल्कुल डरावनू एक्सपीरियंस छो। तो आज के लिए अतरो ही थे देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा।